हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईडिया ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली आईटीआई से जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। दोस्तों, यहाँ पे आईटीआई के लिए एक वैकेंसी जनरेट हुई है, तो हम बात कर लेते हैं कौन सी ट्रेड से निकली हुई है, क्या एज की, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कितना एज उसमें रखा गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक वैकेंसी आई है आईटीआई के लिए, एक ही पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए, नीडल वुमेन के बारे में। यहाँ पे स्केल पे और बात कर ले, स्केल ऑफ पे की 19,963,200, जो कि बहुत ही अच्छा स्केल पे है। यहाँ पे बात कर ले हम क्वालिफिकेशन की, तो आपको 10th पास होना चाहिए प्लस आपको आईटीआई होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क ट्रेड्स है। अगर आप वुमेन है और एससी की कैंडिडेट है, प्लस आपने अगर एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क से आईटीआई किया है, तो आपके लिए काफी सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, ये सुनहरा मौका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई कोई भी फिटर टर्नर मशीनिस्ट या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर मोटर मैकेनिक और भी काफी ट्रेड होते हैं, वेल्डर वगैरह से कोई आईटीआई करता है, और एम्ब्रॉयडरी और नीडल वर्क ट्रेड से काफी कम लोग आईटीआई करते हैं। शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें लगभग जॉब आपकी सिक्योर ही है, क्योंकि काफी कम लोग ही करते हैं, शायद एक आधी लोगों ने किया भी होगा। तो यहाँ पे एज की बात कर लें, तो यहाँ पे 30 साल आपका एससी कैटेगरी के लिए मांगा गया है। ये एक ही पोस्ट है एससी कैटेगरी की, यहाँ 30 साल। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है यहाँ पे, यानी कि आप किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपने आईटीआई उसके साथ कर लिया या फिर स्टेट से कर लिया या फिर आपके किसी जानकार ने आपको बता दिया, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों, यहाँ पे 40 साल की रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। तो इस अगर आपने आईटीआई किया हुआ है स्टेट से, तो आपको ये फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और काफी कम वर्कलोड होता है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लें कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। दोस्तों, यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाते हैं फिजिकल एंड स्किल टेस्ट। फिजिकल एंड स्किल टेस्ट यहाँ आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ आईटीआई ट्रेड से है, तो आपको खाली सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना होगा। यहाँ पे इसमें 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको टाइमिंग 1 घंटा दिया जाएगा। द सीबीटी विल बी कनेक्टेड एट द सेंटर चूजन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जब आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपको वहां पे ये सेंटर प्रोवाइड करवा देंगे कि इस सेंटर है और यहाँ आपको फॉर्म भरना है। मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें, द इंस्टीट्यूट विल रिलीज मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, यानी कि सीबीटी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद ये इन्होंने साइट दी हुई है www.cipranchi.nic.in पे, 72 घंटे के आपके एग्जाम के अंदर तुरंत आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों, 72 घंटों में कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं और शायद उनको बहुत ज्यादा बच्चे ना भी मिले, इसकी वजह से वो इतना जल्दी आपको रिजल्ट भी दे दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट में काफी टाइम लगता है ऑनलाइन होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ बच्चों की संख्या कम होने के कारण यहाँ पे रिजल्ट आपका भी बहुत जल्दी, यानी कि 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें यहाँ पे रिजर्वेशन, तो ये एससी कैंडिडेट के लिए है, तो रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं कर सकते हम। यहाँ पे इन्होंने जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1,000 रुपये फीस है। यहाँ पे एससी के लिए वो पोस्ट जनरेट हुई थी, तो यानी कि एससी पे आपको 500 रुपये की फीस सबमिट करनी होगी, जो कि यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वैलेट से आप गूगल पे फोन पे से कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ अमाउंट विद पेड ऑनलाइन टू बैंक ऑफ बड़ौदा कनकी ब्रांच, अकाउंट नेम इन्होंने बताया हुआ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्ट्री, अकाउंट नंबर 26, ये अकाउंट नंबर दिया है, आईएफएससी कोड भी इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में, ये ऑफिशियल वेबसाइट सीआईपी की वेबसाइट है, 22/10/2022 को से आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए,
जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप फिटर ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है या फिर आपकी आईटीआई चल रही है, तो आप इस चैनल पे, मैंने प्रीवियस ईयर के काफी पेपरों को सॉल्व किया, जैसे इसरो, डीआरडीओ और लखनऊ मेट्रो के पेपर को, तो उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। और आगे भी मैं काफी वीडियोस उस पर लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल पे बने रहे जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, जय हिंद।